ये दोस्तों हमारा जो एप्पल है, सेब है, इसका पेड़ है जो मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, आपको भी ये नर्सरी पे मिल जाएगा। ये है जो हमारा ये एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, जो कि आपको 200 से लेकर 250 के बीच में मिल जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम इसे गर्मी जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ भी हम इसे अच्छी आपको नॉलेज हो तो वहाँ भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर 40-41 टेम्परेचर रहता है, तो मैं इसे इसलिए लेके आया हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो जो हमने मैं इसे ज़मीन में लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको जो है जो इसकी जड़ों में लगने से जो कीट होते हैं उन्हें बचाएगा। इसके लिए मैं नीम खली डाल रहा हूँ और साथ ही डाल रहा हूँ टर्मरिक पाउडर, जो ये जड़ों में लगने वाले कीट हैं, फंगस वगैरह, उसे भी बचाएगा। और आपको इस तरह से जो है जो पॉलीथीन होती है इसे हटा लेना है, और हटाने के बाद इसे इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको ये देखिए, ये इसको जो ये नीचे जिसमें लगा हुआ होता है 6x6 के बैग में या किसी भी उसमें, तो इसको आपको फटने नहीं देना है, आपको इस तरह से इसे लगा देना है। जो एप्पल है, जो सेब है, ये बता रहा हूँ कि मैं ये आप इसे भी आप गमले में या फिर क्रो बैग में या फिर आप ज़मीन में आसानी से लगा सकते हैं। और इसके साथ आप इसे एक चीज़ और देखिए, जो इसके साथ ही जो स्कर्श उगे हुए हैं इन्हें आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में दबने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें हटा देना है। कर सकते हैं इन्हें आपको इस तरह से हटा देना है और इसे आप इस तरह से लगा देना है। और कोई भी आपके पौधा लगाएं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मानसून का टाइम। तो अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है, जो मानसून है वो आ गई है। तो अभी मैं इस मानसून के मौसम में पौधे को लगा रहा हूँ। लगाने के बाद इसको आप इस तरह से जो है प्रेस कर देना, जो इसकी एयर है, हवा है, वो निकल जाए। इस तरह से आपको लगा देना है। इसकी ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छी है। और साथ ही डाल देना आप इसमें पानी, बरसात के मौसम में आप पानी थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि बरसात में तो वैसे ही बरसात होती रहती है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ओवर वाटरिंग के कारण, ज़्यादा पानी के कारण जो इसकी जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, जिससे कि हमारा पौधा जो है ख़राब हो सकता है। अगर आप गमले में या फिर क्रो बैग में लगाएं तो उसमें और वाटरिंग से जिन नीचे छेद होते हैं उनको आप एक से ये वो वाटरिंग वाले छेद को रुकसा होना चाहिए। अभी हम इसमें पानी वो कम ही डालेंगे। ये हमारा एप्पल का पौधा देखिए, सेब का पौधा, इसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जिन नीचे से जो स्कर्श है वो भी निकल रहा है। तो आपको इस जो गमले में या अपने ज़मीन में जहाँ भी लगा हुआ है
तो उधर से जो ये है खरपतवार है ये निकाल दीजिए आप इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि जो खरपतवार है ये हमारे पौधे को जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी ये खरपतवार खींच लेता है इस तरह से को दीजिए। और इसके बाद आपको करनी इसकी हल्की गुड़ाई इस तरह से, आप इसकी जो हल्की गुड़ाई हो कर दीजिए इस तरह से, जो हमने इसकी हल्की गुड़ाई वो कर दी है। अब इसमें डालना है हमें खाद, ये देखिए गोबर किच्ची सड़ी हुई खाद इसमें डाल दी, साथ ही मिलाया हमने इसमें एक मुट्ठी बायोजाइम, ये देखिए हमारा सेब का पौधा वो भी दिल्ली NCR। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।